Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So, इससे पहले के वीडियोस में हमने लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने. आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो नहीं देखे तो आप चेकआउट कर सकते हैं. आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है. सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ से लीनियरिटी प्रॉपर्टी. सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे लागू होती है, डायरेक्ट उसके एग्जाम्पल्स ही देख लेते हैं. सो यहाँ से हम फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें यहाँ से इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपोनेंशियल 2x माइनस ऑफ 2x का प्लस. यहां से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या लेंगे, p के रेस्पेक्ट में हमने फाइंड आउट करना है प्लस. यहां से अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे साइन ऑफ 3x का माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे कोस ऑफ 5x का प्लस 12 हम बाहर लिख देते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करना है x क्यूब का एंड देन माइनस ऑफ 5. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है 1 का विद रिस्पेक्ट टू p. यहां से हम p के साथ ही तो p वेरिएबल में ही तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. सो अगर अब हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से एक्सपोनेंशियल ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखा था, p माइनस ऑफ a. अब यहाँ से a की वैल्यू माइनस ऑफ 2 है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई पी प्लस 2 बन जाएगा प्लस. यहाँ से साइन 3x का साइन ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है a बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो इसमें a की वैल्यू 3 है सो 3 बाई पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 है. सो यहाँ से cos एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस 12 इंटू यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी रेस टू दी पावर 4. सो 3 का फैक्टोरियल आएगा 6, 12 इंटू 6 आएगा हमारे पास 72 डिवाइडेड बाई पी रेस टू दी पावर 4 आ गया माइनस 5 हमने एज इट इज लिख देना है. 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है 1 बाई पी सो 1 बाई पी आ गया. ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब. अब हमें यहाँ से कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यहाँ से देखते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा. इसको हम सिंप्लीफाई करें सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ऑफ हाइपरबोलिक 8x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से. इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं. पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे 1 बाई 2 का p के रेस्पेक्ट में प्लस. अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे 1 बाई 2 को लिख देते हैं बाहर और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे कोस हाइपरबोलिक 8x का विद रिस्पेक्ट टू p के रेस्पेक्ट में. सो 1 बाई 2 हम बाहर लिख देते हैं, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी लिखा है 1 बाई पी आता है सो 1 बाई 2 पी आ गया यहाँ से प्लस. यहाँ से 1 बाई 2 एज इट इज लिख देते हैं कोस हाइपरबोलिक ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर. सो p स्क्वायर माइनस ऑफ a की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा. सो यहाँ से सिंपली करेंगे सो 1 बाई 2 पी प्लस 1 बाई 2 इंटू पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 64 यहाँ से हमारा आंसर आ गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है साइन 5x इनटू कोस 3x का. सो यहाँ से साइन ए कोस बी की फॉर्म में अगर हमें यहाँ से टर्म दी हुई है सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू जो आएगी 1 बाई 2 आ जाएगी हमारे पास, 2 इंटू साइन 5x कोस 3x आएगा. सो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं साइन ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी की वैल्यू आएगी यहाँ से, ए की वैल्यू 5x है, बी की वैल्यू 3x है. सो ए प्लस बी 8x आ गया, प्लस में आ जाएगा साइन ए माइनस बी. सो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2x. ये वैल्यू आगे इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. सिंपलीफाई कर देते हैं, 1 बाई 2 बाहर लिख सकते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले साइन 8x का फाइंड आउट कर लेते हैं प्लस 1 बाई 2. अब यहां से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं साइन 2x का. सो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 बाई 2 साइन 8x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 प्लस 1 बाई 2 इंटू यहाँ से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया. सिंप्लीफाई कर दे वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 4 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. सो अब हमें यहाँ से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रॉपर्टी काम में लेंगे, कोस हाइपरबोलिक एक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई आएगा हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा एंड देन कोस ऑफ बी एक्स हम यहाँ से लिख सकते हैं. सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले सो इसके हमारे पास 1 बाई 2 हम इंटीग्रेशन यहाँ से बाहर लिख देते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे ओवर पी
प्लस 1/2 हम बाहर लिख देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स का कोस बी एक्स का ओवर पी। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इसका हम फॉर्मेट जानते हैं, इसका फॉर्मेट हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखें एक्सपोनेंशियल ए एक्स दिया हुआ है, सो इसका हमारे पास इंटू में कोस ऑफ बी एक्स दिया हुआ है, सो कोस ऑफ बी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आता, पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है यहाँ से, पर एक्सपोनेंशियल ए एक्स और है, सो पी की जगह यहाँ से लिखा जाएगा पी माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आ गया, प्लस 1/2। सेम फॉर्मेट हम यहाँ से काम में लेंगे, अब यहाँ से पी की जगह पी प्लस ए लिख दिया जाएगा, पी प्लस ए होल स्क्वायर और प्लस ऑफ बी स्क्वायर हियर, सो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यहाँ से ये आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ से हमें यही फाइंड आउट करना था। सो आज के इस वीडियो में हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।